हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं साक्षी आज आप लोग को भिंडी की भुजिया बनाना सिखाऊं। वैसे तो सब लोग भिंडी की कई तरह से भुजिया बनाते हैं, मैं कुछ अलग तरीके से आप लोग को भिंडी की भुजिया सिखाऊंगी। तो आइए देखते हैं किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम भिंडी, जिसको हम ऐसे काट लेंगे, और दो प्याज मीडियम साइज के, जिसको हम काट के रख लिए हैं, और एक मसाला मेरा जो अलग है, मैंने उसमें इसमें इस्तेमाल किया है, जो है लहसुन की 4-5 कलियां, आधा छोटा चम्मच सरसों, आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं, जिसका मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है इसका, और साथ में ये लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, और हल्दी आधा छोटा चम्मच। अब हम गैस पे कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, अब इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। प्याज को हमें ज्यादा भूनना नहीं है, इसको केवल हमको पिंक कलर लाना है। हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे भिंडी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी भिंडी मिक्स हो गई है, अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक्कन हटा दिया है, देखिए भिंडी थोड़ी थोड़ी पक गई है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, इसको फिर हम मिक्स कर देंगे। अब इसको बिना ढके पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी लगभग लगभग पक चुकी है। अब इसमें हम ये मसाले डालेंगे जो हमने तैयार किए थे, लहसुन सरसों और आमचूर पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे और ढक कर 2 मिनट के लिए हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके 1 मिनट बाद आप फ्लेम बंद कर दीजिए। हमारी भिंडी से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। कई फैमिली में होता है कि भिंडी लोग पसंद नहीं करते हैं, इस तरह से आप ये भिंडी की सब्जी बनाइए और अपने फैमिली मेंबर को खिलाइए, और अपना रिस्पांस जरूर मुझे शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।